हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी ठीक होंगे। ये देखिए, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ अरुई के पत्ते की पकौड़ी। इसको कैसे बनाते हैं ये हम आज आपको देसी स्टाइल में बताएंगे। ये देखिए, इसके लिए मैंने लिया है मिर्ची, इसको तीखा करने के लिए, और फिर इसमें लहसुन पड़ेगा और एवरेस्ट का मसाला, या फिर आप जो भी मसाला यूज़ करते हो उस मसाले को इसमें ले लीजिएगा। और बेसन, अगर बेसन आपके पास घर का हो तो वो और भी अच्छा है। और उसके बाद हम इन सब का जो है कि पेस्ट बना लेंगे। और इसके पेस्ट में हम जो है कि थोड़ा सा इसमें जो है कि अमचूर भी मिलाएंगे, जो कि आम का होता है, आपके पास जो भी हो आप खट्टे के लिए उसको मिला सकते हैं। और इसमें हम नमक डालेंगे। हम इन सभी का पेस्ट बना लेंगे और फिर इसको अब हम पत्ते की में लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए, इसको आराम से हल्के हाथ से लगाना है ताकि पत्ता हमारा जो है वो फटे नहीं। और ये लगाया जाता है हमारा चिपकाने के लिए, जो अरुई के पत्ते होते हैं, क्योंकि फिर इसे हमको फोल्ड करना है। ये देखिए, ये मैंने ऐसे लगा लिया है इसको। और अब इसके ऊपर पत्ती, ये देखिए, ये मैंने दूसरे पत्ते पर भी लगा लिया है। और इसी तरह हम जो है कि इसका एक साइड इधर लेके और एक साइड मैंने उधर किया था। और अब जो अब मैं पत्ती लगाऊंगी उसका जो सीधा तरफ है उसको मैं उस तरफ करूंगी। और ऐसे ही करके तीन चार पत्ती को ऐसे ही लगा के और फिर उसके बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे। और अब ये देखिए, इसको मैंने पूरा जो है कि कर लिया है, पत्ती पूरा लगा लिया है अच्छे से इसमें बेसन करके। और फिर इसको अब मोड़ना शुरू करेंगे। इस पे किनारे की तरफ बेसन लग रहा है ताकि जब मैं इसको फोल्ड करूँ तो ये जो है कि चिपक जाए और खुले नहीं। आराम से हल्के हाथों से कीजिएगा, वरना ये पत्ता जो है कि फट जाएगा।